महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंस गई है और एक और बीजेपी शिंदे के सहारे शिवसेना को तोड़ने की कोशिश में लगी है, तो शिंदे बीजेपी के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंचने के सपने देख रही है, जबकि एमवीए गठबंधन ने सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार विपक्षी खेमे में सेंधमारी में जुटे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। इस बीच 5 दिनों से खामोश बैठे शिवसैनिकों का भी गुस्सा फूट पड़ा, तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना के बागी विधायक अब मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके घर कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है, बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, शिवसैनिक सड़कों पर अब उतर चुके हैं। उनका गुस्सा शिवसेना से बगावत करने वालों पर उतर रहा है। उनके हंगामे की गूंज गुवाहाटी तक सुनी जा रही है। गुवाहाटी में बागियों के साथ मौजूद एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार से अपने घर परिवार और समर्थकों के बचाव की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दे रहे हैं। गुवाहाटी में उन्होंने बागी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें नई पार्टी बनाने का फैसला हुआ है और नई पार्टी का नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे रखा जा रहा है। चुनाव आयोग में इसे लेकर अर्जी लगाई जाएगी, लेकिन ये नाम उन्हें मिलेगा इस पर अभी से संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि शिवसेना ने इसे लेकर आपत्ति जता दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे को अलग पार्टी बनानी है तो बनाए, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, कोई उन्हें नहीं रोकता, लेकिन वो शिवसेना या फिर बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिंदे अगर बाल ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बागियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। राउत ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते हुए कहा कि झगड़ा शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसमें वो टांग ना अड़ाए, उनकी जो थोड़ी सी विश्वसनीयता बची है वो उसे बचा कर रखे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि शिंदे को अपनी पार्टी का जो भी नाम रखना हो रखें, लेकिन मेरे बाप का नाम इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार नहीं है, वो अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें। मुंबई में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, बैठक में उन्हें सभी फैसले करने का अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन सब के बीच अब बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने आज एनडीए समर्थक दलों से चर्चा शुरू कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।